फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूं और तस्वीर बनती जा रही है। हरी पर नजर रखने की जरूरत है, वो आज भी अपने पुराने अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। नासिर कहेंगे और मुझे हरीम के पास से मिला है। परसों नायबा की मंगनी है, अभी हम कोई हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते। नायबा की मंगनी हो जाए उसके बाद जो भी बास पुरस करनी होगी कर लेना। अभी तो वैसे भी हरीम रात रहने के लिए अपने महके गई है, अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्या मेरे इरादों को ब्लॉक कर सकती हो, मेरे कदमों को रोक सकती हो? तुम्हारी आलिशान कोठी के पीछे वाले दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार है। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे हरीम? कब से छुपा रही हो और क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे और नासिर के बीच? ये क्या है हरी भाई? दिल बहुत उदास है भाई, आपके होने से बहुत सहारा था, दिल सुकून में था। अपना जाने कितने अरसे तक हम दोनों एक दूसरे को स्क्रीन पर देखेंगे और सुनेंगे। तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत हाथों में छोड़ के जा रहा हूं, दिल छोटा नहीं करते, बल्कि अब तो मेरी बहन को और भी मजबूत होना पड़ेगा। पापा का ख्याल रखना। रूफी, मेरे बच्चे, मेरी फिक्र मत करो, मेरी जिंदगी तो तुम दोनों की खुशियों से वाबस्ता है। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे बेटा, तुम्हारी दिली मुरादें पूरी फरमाए। Thank you.
मम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि तकरीब में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम रेडी हो ना? मैं तैयार हूँ। एक मिनट, गजरे पहनना तो भूल ही गई। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर लूंगा, आ जाना। क्या हुआ है फाइज को? फाइज के अंदाज बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या रूफी भाई और रकम वाली बात, या फिर मम्मी ने कुछ और भी कहा है फाइज से? या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना, मुझे फाइज की नजरों में रुसवा ना करना। बस अब मैं फाइज से मजीद कुछ नहीं छुपा सकती। आज रात तकरीब से वापसी पर मैं सब कुछ कह दूंगी फाइज से, सब कुछ, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। आपने वादा किया था फाइज, कभी बदगुमान बेयकीन नहीं होंगे। आज आपकी नजरों की ये बेयकीनी आपकी हरीम को मारने के लिए काफी है। एक बार, बस एक बार मुझसे पूछे तो सही। तुमसे कहा था ना हरीम, कोई मुश्किल कोई मसला हमारे दरमियान कायम ऐसे दरबार के सामने अहमियत नहीं रखता। अपनी हर मुश्किल मेरे हवाले कर देना, लेकिन जब कोई हकीकत पर फरेब और शक के पर्दे डाले तो यकीन का बड़े से बड़ा बुत भी पाश पाश हो जाता है। अफसोस आज मेरा यकीन मोम की तरह पिघल रहा है, और ये शोला किसी और ने नहीं, खुद तुमने रोशन किया है।